यूं तो भारत में भी बहुत कुछ है घूमने के लिए, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां बिना वीजा बिना पासपोर्ट के घूमने जाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, भारत से बहुत सस्ता है ये देश। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। इसलिए आज मैं आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू टूर की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। कैसे आप काठमांडू आ सकते हैं, घूमने का सही तरीका क्या है, नेपाल आने से पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, बस टैक्सी रेल होटल ऐसी तमाम यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। ऐसा करने से हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, कहते तो ये भी हैं, श्री बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद श्री पशुपतिनाथ काठमांडू में भी दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और चलते हैं काठमांडू। काठमांडू नेपाल का एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत खूबसूरत भी है। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से काठमांडू की दूरी करीब 1166 किलोमीटर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि काठमांडू कैसे पहुँचा जा सकता है, क्या है सही आसान और सस्ता तरीका काठमांडू पहुँचने का। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उससे काठमांडू पहुँच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट की। दिल्ली मुंबई से तो डायरेक्ट फ्लाइट है काठमांडू तक। दिल्ली से बात करें तो करीब 1.5-2 घंटे का सफर रहता है, 4,500 से 5,000 का टिकट होता है, और आप आराम से 1.5-2 घंटे में काठमांडू पहुंच जाएंगे। ट्रेन की बात करें तो डायरेक्ट काठमांडू तक ट्रेन नहीं है। काठमांडू का नजदीकी भारतीय रेलवे स्टेशन गोरखपुर है यूपी में, रक्सोल है बिहार में, और जयनगर है बिहार में। जो भी आपके लिए नजदीक रहे वहां से आप काठमांडू के लिए जा सकते हैं। गोरखपुर से काठमांडू की दूरी 325 किलोमीटर है, बाय रोड ही आपको जाना पड़ेगा। रक्सोल से काठमांडू की दूरी 142 किलोमीटर है, बाय रोड जाना पड़ेगा। बिहार में एक छोटा सा शहर है जयनगर, वहां से काठमांडू की दूरी 260 किलोमीटर है। हालांकि भारत नेपाल के बीच एक ट्रेन भी चलती है जो बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर कुर्था तक जाती है। ये एक लोकल DMU ट्रेन है, 35-36 किलोमीटर का सफर है, 2 घंटे लगते हैं, बीच में 6 हॉल्ट हैं, एवरेज स्पीड करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। AC क्लास जनरल क्लास दो तरह के कोच हैं। टिकट की बात करें तो जयनगर से नेपाल का अंतिम स्टेशन कुर्था तक जनरल क्लास में करीब 80 रुपए का टिकट है, और AC क्लास में 450 रुपए का। लेकिन आप डायरेक्ट काठमांडू तक नहीं जा पाएंगे, कुर्था से आपको बाय रोड ही काठमांडू जाना पड़ेगा। ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं लगता है मुझे, क्योंकि कुर्था से भी करीब 222 किलोमीटर की दूरी पर है काठमांडू। ये सफर आपको बाय रोड ही करना पड़ेगा। तो बेस्ट है या तो आप गोरखपुर आइए या फिर आप आ जाइए रक्सोल। फ्लाइट से जा रहे हैं तो डायरेक्ट काठमांडू तक पहुंच जाएंगे। अगर बाय रोड ही सफर करना है तो चलो बाय रोड की मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप काठमांडू पहुंच सकते हैं। तीन तरीके हैं, या तो बस ले लीजिए, या फिर टैक्सी हायर कर लीजिए, या फिर अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए। बसेस की बात करूं तो दिल्ली से काठमांडू के लिए डायरेक्ट बसेस अवेलेबल हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है। 5-6 बसेस हैं, बल्कि ज्यादा ही हैं, जो दिल्ली से काठमांडू के बीच में चलती हैं। मिनिमम टिकट 3,000 के आसपास है। करीब 27-28 घंटे का समय लगता है दिल्ली से काठमांडू बस से जाने में। गोरखपुर से भी 1-2 डायरेक्ट बस है काठमांडू तक, 12-13 घंटे का सफर रहता है, 2,000-3,000 के आसपास टिकट है, अकॉर्डिंग टू बस अकॉर्डिंग टू कम्फर्ट। हालांकि गोरखपुर से आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से गोरखपुर पहुंच चुके हैं तो आप बसेस से भी जा सकते हैं, आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। टैक्सी के क्या प्राइसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप रक्सोल में हैं तो रक्सोल से बिहार रोडवेज की बसें चलती हैं, करीब 11 घंटे का सफर है, और 600-700 रुपये उसमें टिकट है। ऑर्डिनरी बस है बिहार रोडवेज की जो रक्सोल से चलती है डायरेक्ट काठमांडू तक। तो जो भी आपको सही लगे आप उससे जा सकते हैं। हालांकि आप ट्रेन से गोरखपुर या रक्सोल आ जाइए, वो भी एक अच्छा तरीका, और वहां से टैक्सी हायर कर लीजिए। टैक्सी के बारे में बता देता हूँ, गोरखपुर से अगर आपको काठमांडू जाना है तो टैक्सी वाले 14,000 से 15,000 चार्ज करेंगे। रक्सोल से काठमांडू जा रहे हैं तो करीब 7-8 हजार रुपए चार्ज करेंगे ड्रॉप करने के।
दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू अगर आप टैक्सी लेकर जाते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, बहुत महंगा पड़ने वाला है। या तो आप ट्रेन से गोरखपुर आ जाइए, वहां से टैक्सी हायर कर लीजिए, या फिर दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू की बस पकड़ लीजिए, या फिर दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट से 1.5-2 घंटे में काठमांडू पहुंच जाइए। मुंबई से भी फ्लाइट है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं काठमांडू पहुंचने के। हालांकि कुछ लोग अपनी गाड़ी लेकर भी आ जाते हैं, अपनी बाइक लेकर भी आ जाते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन उसमें कुछ परमिट वगैरह बनवाना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो काठमांडू जाने का बाय रोड सबसे बेस्ट तरीका है कि आप गोरखपुर आइए और गोरखपुर से काठमांडू निकल जाइए। हालांकि गोरखपुर से काठमांडू के बीच का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा नहीं है, जैसे ही हम नेपाल में एंट्री करते हैं तो वहां के रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी यही एक बेस्ट रास्ता है दिल्ली से काठमांडू पहुंचने का। तो बेस्ट तरीके की ही बात करते हैं कि गोरखपुर से काठमांडू कैसे जाएं। तरीके मैंने बता दिए, बसेस से जा सकते हैं, टैक्सी हायर कर सकते हैं, अपनी गाड़ी लाए हैं तो उससे भी जा सकते हैं। गोरखपुर से करीब 96 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल इंडो बॉर्डर आता है, सनोली बॉर्डर के नाम से उसको जाना जाता है। वो जो जगह है, वो जो शहर है, वो जो टाउन है, वो सनोली है, वहीं पर नेपाल इंडो बॉर्डर है। गेट बना हुआ जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो शहर है ये सनोली है, और सामने जो गेट देख रहे हैं, इस गेट को पार करने के बाद हमारी एंट्री नेपाल में हो जाएगी। जब भी आप काठमांडू टूर करें तो अपने साथ आपका आधार कार्ड जरूर रखें, क्योंकि यही आधार कार्ड है जो आपको नेपाल में घूमने में मदद करेगा। क्योंकि नेपाल में पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको आधार कार्ड दिखाना होगा और आप नेपाल जा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, बाइक लेकर आ रहे हैं या अपनी कार लेकर आ रहे हैं, तो आपको उस गाड़ी का परमिट बनवाना पड़ेगा। पर्सनली आपको खुद का परमिट नहीं बनवाना पड़ेगा, आपकी गाड़ी का परमिट बनवाना पड़ेगा। अगर आप कार लेकर आ रहे हैं तो एक दिन का कार का परमिट बनता है 500 रुपये में, और बाइक का बनता है एक दिन का 150 रुपये में। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितने दिन नेपाल में रहना है। मान लीजिए आपको 4 दिन नेपाल में रहना है, तो कार लेकर आए हैं तो 2000 रुपये का परमिट बनेगा, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा आप लेकर चलिए। अगर आपको 4 दिन नेपाल में रहना है तो आप 5 दिन का परमिट बनवाइए। ऐसा करने से आपको फायदा ये होगा कि अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा वहां पर लग जाता है, कोई भी वजह हो सकती है, कोई मेडिकल इश्यू हो जाता है, कोई लैंडस्लाइड हो जाती है, वेदर इश्यू हो जाता है, तो अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा भी लगेगा तो आपके पास परमिट होगा। क्योंकि अगर आपके पास परमिट नहीं है और आप नेपाल में अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो उस पर आपको भारी चालान हो सकता है। तो बफर टाइम लेकर चलिए, चाहे आप बाइक से जाएं चाहे आप कार से जाएं। अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं तो टैक्सी वाला अरेंज करेगा परमिट, आपका कोई हेडेक नहीं होगा। जो भी आप टैक्सी बुक करेंगे उनसे बात कर लीजिए कि इसमें परमिट इंक्लूड है या उसका अलग से पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप नेपाल इंडो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, गेट के अंदर आएंगे, आपके मोबाइल का नेटवर्क चला जाएगा। इंडियन सिम वहां काम नहीं करता है, तो उसका तरीका यह है कि बॉर्डर पार करते ही वहां पर जहाँ ये परमिट बनते हैं गाड़ियों के, वहीं पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए सिम अरेंज कर देंगे। सिम की क्या कॉस्ट रहती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा सिम मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरह के सिम चलते हैं नेपाल में, एक है एनसेल और एक है नमस्ते। जो भी आपको सही लगे कोई भी ले लीजिए, मैं गया था मैंने एनसेल लिया था। एनसेल का सिम मुझे 500 रुपये में पड़ा, 200 रुपये का सिम था, 200 रुपये का उसमें इंटरनेट डलवाया और 100 रुपये का उसमें बैलेंस डलवाया। इंडिया की तरह भर भर के डेटा तो वहाँ मिलता नहीं है। 7 दिन की वैलिडिटी थी इस सिम की, यानी 500 रुपये का वो सिम पड़ा मुझे, जिसमें 2 GB इंटरनेट पर डे मिला, 100 रुपये का बैलेंस था और 7 दिन की वैलिडिटी थी। कॉल चार्जेस की बात करूं तो अगर इंडिया से नेपाली सिम पर कोई कॉल करता है तो उनके 12 रुपये एक कॉल के कटेंगे। अगर आप नेपाली सिम से इंडिया में कॉल करते हैं इंडियन सिम पे, तो आपके 4 रुपये एक कॉल के कटेंगे। तो ये है कुछ नेटवर्क की बातें। मेरे हिसाब से अगर आप नेपाल घूमने आ रहे हैं तो ये सिम जरूर ले लीजिए, आधार कार्ड दिखाकर ही आपको ये सिम मिल जाएगा। बॉर्डर पार करने के बाद ही आप चाहें तो इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसके लिए भी काफी सारी दुकानें हैं वहाँ पे, काफी सारे एजेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इंडियन 1000 रुपये के नेपाली 1600 रुपये मिल जाते हैं, इतना फर्क है इंडिया और नेपाल में। हालांकि अब नेपाल में इंडिया की सभी करेंसी चलती है, तो जरूरी नहीं है कि आपको कन्वर्ट करवाना ही पड़ेगा। जो लोग फ्लाइट से डायरेक्ट काठमांडू पहुंच जाते हैं, उनके पास करेंसी नहीं होती है तो वो भी घूमते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको करेंसी कन्वर्ट करवानी पड़ेगी। बट हाँ, जब नेपाल आए हैं तो कुछ 1-2 हज़ार रुपये तो आप कन्वर्ट करवा ही सकते हैं, एक मेमोरी बन के रह जाएगा, उन नेपाली नोट को अपने साथ रख सकते हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने करीब 10,000 के आसपास करेंसी कन्वर्ट कराई थी। तो ये होते हैं काठमांडू पहुंचने के सभी तरीके।
आपके शहर से, आपके राज्य से जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे काठमांडू पहुंच सकते हैं। अब आपके पास नेपाली सिम भी है, अब आपके पास नेपाली करेंसी भी है, अपनी गाड़ी लाए हैं तो गाड़ी का परमिट भी है, अब आप पूरी तरह से तैयार हैं नेपाल में घूमने के लिए। गोरखपुर से काठमांडू अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो करीब करीब 13-14 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि रास्ता ही कुछ ऐसा और कुछ पहाड़ी रास्तों से होकर हमें निकलना पड़ता है। तो ये है काठमांडू पहुंचने की बातें। अब बात करते हैं कि काठमांडू में होटल कहाँ ले, स्टे कहाँ करें। देखिए काठमांडू के जो होटल्स के चार्जेस हैं वो 800-1000 रुपए से शुरू हो जाते हैं, जो 6-7000 तक जाते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप किस लोकेशन पर कौन सा होटल लेते हैं। काठमांडू एक बहुत बड़ा शहर है तो बात यही आती है कि किस लोकेशन पर होटल लिया जाए, क्योंकि इंडिया से जो भी टूरिस्ट जाते हैं उन्हें पता नहीं होता कि काठमांडू में कहाँ हमें घूमना है, कहाँ होटल लेना बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको काठमांडू टूर की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। आप में से कितने लोग नेपाल घूम चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मैं आपको काठमांडू की कुछ लोकेशन बताता हूँ कि जहाँ पर आप होटल ले सकते हैं। देखिए आप चाहे तो रिंग रोड पर होटल ले सकते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास जो रोड है वो रिंग रोड है, उसी के आसपास आप होटल ले सकते हैं। आप चाहे तो पशुपति रोड पर भी होटल ले सकते हैं, आप भुवनेश्वरी मार्ग पर होटल ले सकते हैं, आप चाहे तो दक्षिणामूर्ति पर भी होटल ले सकते हैं, सूर्य विक्रम गया वाली रोड पर भी होटल लिया जा सकता है। ये कुछ 5-6 रोड है जहाँ पर आपको होटल लेना चाहिए। कोशिश ये कीजिए पशुपतिनाथ मंदिर के चारों तरफ कहीं भी आप होटल ले लीजिए, ऐसा करने से आपको काठमांडू घूमने में काफी फायदा होगा। ये जो होटल आप देख रहे हैं मैंने यहीं पर स्टे किया था, होटल का नाम है होटल रामानम। खास बात ये है कि इस होटल का अपना एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है और मैं ठहरा शाकाहारी आदमी तो मेरे लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था। खाने पीने की बात कर ही रहे हैं तो फूड के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि काठमांडू में कैसा खाना आपको मिलने वाला है। देखिए काठमांडू में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का फूड मिल जाता है, लेकिन यहाँ का वेजिटेरियन भी इंडियन वेजिटेरियन से थोड़ा सा अलग होता है। तो आप नेपाल आए तो काठमांडू के किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में नेपाली ऑथेंटिक वेजिटेरियन थाली जरूर ट्राई कीजिएगा, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं काठमांडू में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा जहाँ पर आपको घूमने जरूर जाना चाहिए काठमांडू आने के बाद। उसमें सबसे पहले आता है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और कहते तो ये भी हैं कि केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ धाम में भी दर्शन करने जरूर आना चाहिए, तभी यात्रा पूरी होती है, पूरे दर्शन तभी माने जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के खुलने की टाइमिंग 4:00 से दोपहर 12:00 तक खुलता है और 5:00 से 9:00 तक, बीच में ब्रेक होता है, उस समय दर्शन करने नहीं जाया जा सकता। हालांकि मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, वो खुला रहता है। तो ये है पूरा शू स्टैंड, इस तरह से पॉलोथीन में पैक करके अंदर देना होता है, टोकन मिल जाता है तो बिल्कुल सेफ साइड रहता है। हाँ एक साथ रखें तो कुछ इस तरह का टोकन मिल जाता है 2988। खरीदारी करने के लिए भी आसपास ना बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ सामने है, उधर भी दिखा देंगे आपको पूरा मार्केट, इधर भी मार्केट है और इधर भी कुछ है, एटीएम वगैरह की फैसिलिटी भी है यहाँ पर। एटीएम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इंडियन एटीएम यूज़ करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन 150 रुपये लगता है। अगर मान लीजिए आप एटीएम से 1000 रुपये निकालते हैं तो 1600 नेपाली रुपये निकलेंगे और आपके अकाउंट से आपके 1000 रुपीज़ कट जाएंगे, प्लस 150 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज कटता है। तो देख रहे हो फ्रेंड्स ये सब लाइन लगी हुई है यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने वालों की, चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, कई हजार की तादाद में श्रद्धालु इस वक्त यहाँ मौजूद है। चलिए अभी अंदर जाने की कोशिश करते हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के सामने हम लोग आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। सामने जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये है नंदी महाराज की और ठीक इनके सामने मुख्य पशुपतिनाथ मंदिर यानी गर्भगृह मौजूद है। गर्भगृह के अंदर तो हम कैमरा नहीं ले जा सकते लेकिन यहां से आपको दर्शन करा रहे हैं। मंदिर बहुत बड़ा है। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बागमती नदी नेपाल की एक पूजनीय नदी है। 7:00 के आसपास यहाँ पर आरती का भी आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू का सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट, सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर भारत से ही आते हैं।
दूसरी जगह है आप भक्तपुर दरबार देखने चले जाइए। पशुपतिनाथ से भक्तपुर करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। काठमांडू सिटी से घूमते हुए काठमांडू सिटी के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए आप भक्तपुर तक जा सकते हैं। जब रास्ते पर जा ही रहे हैं तो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए डीजल पेट्रोल के प्राइस भी बता देते हैं नेपाल में क्या है। डीजल का प्राइस नेपाल में 164.50 रुपये पर लीटर है। पेट्रोल का चार्ज 175.50 रुपये है। ये नेपाली करेंसी में, इंडियन करेंसी में आपको पेट्रोल का करीब 109 रुपये देना पड़ेगा और डीजल का 102 रुपये के आसपास देना पड़ेगा। यहाँ के पेट्रोल पंप भी अलग है। इंडिया जैसे इंडियन ऑयल, HP, भारत पेट्रोलियम नहीं है, यहाँ के पेट्रोल पंप भी अलग ही है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये है भक्तपुर। भक्तपुर को कल्चरल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है, 500 रुपये नेपाली देंगे तो आपको एक एंट्री टिकट मिल जाएगा। अगर आप इंडियन करेंसी दे रहे हैं तो 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। कुछ इस तरह का टिकट मिलता है, साथ में एक और पेपर मिलता है जिसमें भक्तपुर के बारे में पूरी डिटेल से इंफॉर्मेशन दी गई है। भक्तपुर एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ की ये इमारतें देखकर आप समझ जाएंगे कि नेपाल के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है भक्तपुर। हम यहाँ एक बिल्डिंग देख रहे हैं जिसकी दीवारों को एक लकड़ी के खम्भों के सहारे रोका गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि साल 2015 और उससे पहले 1935 में यहाँ भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से भक्तपुर की इन ऐतिहासिक इमारतों को काफ़ी नुकसान हो गया था। तो दीवारें कमज़ोर हैं, इसीलिए सपोर्ट के तौर पर ये लकड़ी के खंभे लगाए गए हैं। सामने टेंपल व्यू पॉइंट है जहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग अभी बैठे हुए हैं। मंदिर है सामने, उधर भी आपको लेकर चलते हैं। यहाँ आसपास में कैफे, रेस्टोरेंट, मार्केट सब कुछ है। खाने पीने के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस भक्तपुर में मिल जाते हैं। ये जो बाजार आप देख रहे हैं ये भक्तपुर दरबार का है। खरीदारी करने के लिए भी बहुत कुछ है। कुछ नेपाली हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड चीजें भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप सांगा चले जाइए। काठमांडू से सांगा की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। भक्तपुर दरबार में घूमने के बाद आप डायरेक्ट सांगा तक जा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का एक सस्पेंशन ब्रिज है। यहाँ भी मैं आपको लेकर चलूंगा और इस ब्रिज पर भी आपको घुमाऊंगा। बहुत खास है ये ब्रिज। ये जो शहर है या कह लीजिए एक छोटा सा टाउन है, ये सांगा है। काठमांडू से लोकल सिटी बस लेकर यहाँ तक आया जा सकता है। काठमांडू से व्हाइट कलर के ऑटो रिक्शा भी चलते हैं जिसके थ्रू भी आप इन सभी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मंदिर से पहले जो दुकानें हैं, यहाँ पर बियर की शॉप बहुत ज्यादा है। और यहाँ ही नहीं, पूरे नेपाल में जहाँ जहाँ अभी तक हम घूमे हैं काठमांडू में, बियर शॉप, वाइन शॉप बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं। सांगा हम लोग मौजूद हैं, भोले बाबा की टॉलेस्ट स्टैचू देखने जा रहे हैं। टिकट लेना पड़ता है, नेपाली रुपीज इस तरह का टिकट है, 100 रुपये का, 100 रुपये का टिकट है। अच्छा आपको बता दूँ, जिस मंदिर में हम जा रहे हैं उसका नाम है कैलाशनाथ महादेव मंदिर। अभी सामने से हमें वो स्टैचू दिखाई दे रही है भोले बाबा की। सामने यहाँ एक गेट मौजूद है जहाँ पर टिकट चेक होता है, जो हमने अभी पीछे लिया था, 100 रुपये एंट्री टिकट है। कैलाशनाथ महादेव मंदिर इस जगह का नाम है। तो फ्रेंड्स अभी हम मौजूद हैं सांगा के कैलाश महादेव मंदिर के बाहर। मेरे ठीक पीछे है भोले बाबा की मूर्ति, देख रहे हैं आप कितनी ऊँची है, कितनी ऊँची है, वर्ल्ड टॉलेस्ट इसको बोला जाता है, भोले बाबा की स्टैचू को। ये मंदिर 2003 में बनना शुरू हुआ था और 2010 में कंप्लीट हो गया था। 21 जून 2011 को यहाँ पर टूरिस्ट के लिए आवाजाही शुरू कर दी गई थी, यानी ओपनिंग हो गई थी। बहुत खूबसूरत ये जगह है। यहाँ वीकेंड पर तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, वैसे डेली यहाँ पर हजारों की तादाद में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। भाई साहब अल्टीमेट लोकेशन है, पूरी वैली दिखाई दे रही है दूर दूर तक, बहुत गजब जगह। हम पहुँचने वाले हैं उस हैंगिंग ब्रिज पर जिसको झूला बोलते हैं। तो ट्रैकिंग की मैं बात कर रहा था, तो नेपाल जाना जाता है अपने ट्रैकिंग रूट्स के लिए। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर ट्रैक बने हुए हैं जहाँ आप जा सकते हैं। उनमें से वर्ल्ड फेमस जो चढ़ाई है माउंट एवरेस्ट की, वो भी यहाँ से होती है। अरे आप ये ब्रिज देखिए, आप पतला सा ब्रिज वहाँ जा रहा है दूसरी तरफ। अब इस पर हम लोग चलने वाले हैं, चलते हैं। पीछे से हम आए ऊंचाई से और नीचे की तरफ जा रहे हैं और बीच में से काफी स्लोप है, और जब आगे जाएंगे तो आगे फिर ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है, और ये जमीन से सड़क से काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ से दूर दूर तक बहुत
शानदार व्यू देखने के लिए मिलते हैं। हिमालय पर्वत का भी खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है अगर वेदर क्लियर हो। ब्रिज हिलता है जब इस पे चलते हैं, तो ये ब्रिज हिलता है। ऋषिकेश में आपने राम झूला लक्ष्मण झूला देखे होंगे, उनकी चौड़ाई भी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा सेफ लगते हैं देखने में। लेकिन ये वाला ब्रिज बहुत नैरो है, इतना स्पेस है कि दो बंदे बस बराबर बराबर खड़े हो सकते हैं, इतना चौड़ाई इस पुल की है। लंबाई ऋषिकेश के राम झूला लक्ष्मण झूला से भी ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है सांगा के सस्पेंशन ब्रिज पर घूमने का। काठमांडू सांगा की जान है यहाँ का ये सस्पेंशन ब्रिज। नेपाल का ये वाला ब्रिज बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, आप शंभुनाथ टेम्पल देखने के लिए चले जाइए जो काठमांडू सिटी में ही मौजूद है। इसके अलावा आप श्री राम मंदिर देखने के लिए जा सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। जिस होटल में हमने स्टे किया वहां से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर था। यहां से भी काठमांडू सिटी का एक अद्भुत नजारा देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि श्री राम जी को जब वनवास हुआ था तो उन्होंने इस मंदिर में आकर कुछ देर विश्राम किया था। छठी जगह आप बुद्धनाथ स्तूपा देखने के लिए जा सकते हैं, ये भी बहुत शानदार जगह है। इसके अलावा बहुत सी मोनेस्ट्री भी है नेपाल में जहां आप घूमने जा सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है गार्डन ऑफ ड्रीम। सिटी सेंटर में ही मौजूद है 1 किलोमीटर के दायरे में, यहां भी आप घूमने जा सकते हैं। इवनिंग में आइएगा, बहुत आप इंजॉय करेंगे। थामिल यहां से आप देखने के लिए जा सकते हैं, जहां पर आपको पब्स, रेस्टोरेंट, कल्चरल मॉन्यूमेंट्स, बहुत कुछ अलग अलग चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। काठमांडू आने वाले लोग यहां भी जरूर जाते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेपाल आप देखने जा सकते हैं, सिटी सेंटर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। नेपाल की हिस्ट्री आपको वहां मालूम चलेगी, बहुत शानदार जगह है। आप चाहें तो चंद्रागिरी हिल रोपवे एंजॉय करने के लिए भी जा सकते हैं, सिटी सेंटर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे आप रोपवे से टॉप पर पहुंचेंगे ना, वहां से आप हिमालय पर्वत के बहुत खूबसूरत व्यू भी देख पाएंगे और काठमांडू की हरी भरी वैली देखने के लिए आपको मिलेगी। अगर आप एडवेंचर करने के शौकीन हैं तो आप नेपाल काठमांडू आने के बाद बहुत से एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना होगा द लास्ट रिजॉर्ट। यहां आप बंजी जंपिंग, व्हाइट रिवर राफ्टिंग इंजॉय कर सकते हैं। व्हाइट रिवर राफ्टिंग आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा एडवेंचरस होती है। तांडिंग स्विंग आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, एक रूफ के जरिए वो स्विंग कराया जाता है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहता है। कैनोइनिंग आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, झरने से नीचे उतरना, झरने के ऊपर चढ़ना, वो एक अलग ही एडवेंचर होता है। ये सारे एडवेंचर आपको काठमांडू में मिल जाएंगे। तो एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी काठमांडू नेपाल एक शानदार जगह है। अगर आप स्पिरिचुअल टूर करना चाहते हैं तो भी काठमांडू आपके लिए एक बेस्ट पॉइंट रह सकता है। अगर आपको शॉपिंग करनी है, खरीदारी करनी है, तो भी काठमांडू आपके लिए बेस्ट रह सकता है, क्योंकि इंडिया से बहुत सस्ता है काठमांडू नेपाल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। अब बात ये आती है कि कितने दिन का टूर बनाया जाए। देखिए, अगर आपको सिर्फ काठमांडू घूमना है तो कम से कम 3 दिन आपको चाहिए, 3 रात का स्टे कीजिए, और या फिर प्रॉपर 3 दिन अगर आपके पास हैं, आप मॉर्निंग में काठमांडू पहुंच जाते हैं, 2 दिन का स्टे करके भी आप पूरा काठमांडू घूमेंगे और आप बहुत एंजॉय करेंगे। बेस्ट टाइम कि कब आपको काठमांडू घूमने आना चाहिए, अब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक काठमांडू घूमने आइए, अच्छा रहेगा। विंटर में 2 मंथ अवॉइड कर दीजिए, दिसंबर और जनवरी, उसके बाद फेब, मार्च, अप्रैल तक आप यहां पर कभी भी घूमने आ सकते हैं। जून जुलाई को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस समय यहां का वेदर बहुत अच्छा नहीं रहता, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको कवर करने हैं तो आप कैसे कवर कर सकते हैं, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो। अपनी गाड़ी है तो बहुत इजी है, परमिट आप करा के आए हैं, कहीं भी घूमने निकल जाइए, कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगी। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी यहाँ की लोकल सिटी बस के थ्रू भी इस टूर को कर सकते हैं। काठमांडू एक बहुत बड़ा शहर है, नेपाल की राजधानी है, तो सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। लोकल सिटी बस के थ्रू भी आप भक्तपुर जा सकते हैं, सांगा जा सकते हैं, बाकी लोकल सिटी टूर के लिए आप यहाँ के ऑटो को यूज कर सकते हैं, टैक्सी को यूज कर सकते हैं। पूरा ऑटो रिक्शा बुक कीजिए और लोकल जितना भी सिटी टूर है ना वो आप उससे कर लीजिए, काफी कम खर्चे में आपका टूर हो जाएगा। आप चाहे तो टैक्सी हायर कर लीजिए, टैक्सी में ना अलग अलग पैकेजेस चलते हैं कि अगर आपको लोकल सिटी टूर करना है तो उसका 4,000, अगर आपको भक्तपुर जाना है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा, अगर आपको सांगा जाना है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा। तो इस तरह से करीब 12-13 हज़ार या 14 हज़ार तक टैक्सी वाले लेंगे और आपको पूरा टूर करा देंगे, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। चॉइस आपकी है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप उसके थ्रू घूम सकते हैं। काठमांडू घूमना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। आप में से बहुत से लोग काठमांडू घूम चुके होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका अनुभव कैसा रहा। मेरा अनुभव काठमांडू नेपाल के साथ बहुत ही शानदार रहा।
बजट फ्रेंडली टूर है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी यहाँ नहीं होता है और एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाती है। इसके बाद मैं आपको पोखरा लेकर चलूँगा और पोखरा की संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कैसे आप पोखरा घूमने आ सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको वहाँ घूमने जाना चाहिए। और पोखरा तो एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए एक अल्टीमेट जगह है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।